हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि मैनेजमेंट की ओर से एक बहुत ही शानदार प्रेस रिलीज निकल के आई है, जो कि अपने प्रोडक्शंस और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर एक बहुत ही तगड़ा अनाउंसमेंट किया है, एक बहुत ही तगड़ा डिसीजन लिया है। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली ट्राइडेंट के शेयर प्राइस के ओर भी नज़र आने वाला है। तो जो खबर निकल के आई है मैनेजमेंट की ओर से, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्या पॉसिबल लेवल और टारगेट नज़र आ सकते हैं उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंगेज करना ना भूले, और चैनल बनाया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, शायद आपको पता होगा कि हमने ट्राइडेंट्स के ऊपर तकरीबन 22-23 रुपए तक के टारगेट सजेस्ट किए थे और वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। जब ट्राइडेंट तकरीबन 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी हमने काफ़ी सारे ट्रेडर्स को इसमें पोजीशन बनाई भी है और हमारी खुद की भी पोजीशन अभी भी यहाँ पे ट्राइडेंट्स में है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने पोजीशन बनाई होगी वो अच्छे मुनाफे में होंगे। तो मुझे लगता है कि आगे भी ये तेज़ी कंटिन्यू नज़र आ सकती है। हो सकता है कुछ दिन के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये काफ़ी तगड़े टारगेट दे सकता है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। तो जो खबर निकल के आई है मैनेजमेंट की ओर से, उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। उससे पहले गुरुवार के दिन के कारोबार की सिचुएशन की हम बात करें, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तकरीबन 2% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 24.75 रुपये पे और हमें ओपनिंग नज़र आई थी 25.10 रुपये पे। हल्का सा गैप अप ओपनिंग हाई बनाया 25.95 रुपये का और लो 25.10 रुपये का, और फाइनली क्लोजिंग हमें डे हाई के आसपास ही नज़र आ रही है। डेलवर परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो तकरीबन 8,46,47,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें से डेलेबल क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 9,99,15,000 क्वांटिटी डेलेबल क्वांटिटी डेलेबल परसेंटेज निकल के आ रहे हैं और 35% के आसपास के डेलेबल परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। तो कारोबार का सिचुएशन तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, अच्छी खासी खरीदारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर हम विस्तार से एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ट्राइडेंट के मैनेजमेंट की ओर से जो प्रेस रिलीज निकल के आई थी वो आप लोगों के सामने है, और जैसा मैंने आपको बताया ग्रोथ प्लान को लेके यहाँ पे फाइनली अप्रूवल भी आ चुका है मैनेजमेंट की ओर से। और यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यान का जो प्रोडक्शन ट्राइडेंट्स करता है उसके यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पिंडल्स, रोटर एंड एयरजेट। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स है वो यान के प्रोडक्शन के इक्विपमेंट है फ्रेंड्स, जो कि अभी फिलहाल देखा जाए तो जो यूटिलाइजेशन है वो तकरीबन 90% के आसपास का ये सारे इक्विपमेंट यूटिलाइज हो रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेटिंग की भी बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 83% की कैपेसिटी के साथ यहाँ पे ये भी यूटिलाइज हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है जो इक्विपमेंट्स की, वो ऑलमोस्ट हमें 90% के आसपास की कैपेसिटी देखने को मिल रही है। तो उस कैपेसिटी में यहाँ पे बढ़ोतरी करने का प्लानिंग है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रपोजल है कैपेसिटी बढ़ाने का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तकरीबन 98,496 पिंडल्स एंड तकरीबन 3600 रोटर्स इक्विपमेंट्स बढ़ाने का प्लानिंग है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 70,000 मीटर्स पर डे यहाँ पे सिटिंग में भी बढ़ोतरी करने का प्लानिंग है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए फ्रेंड्स तो इक्विपमेंट्स से वो बढ़ाने का प्लानिंग है मैनेजमेंट का। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो तकरीबन आप देख सकते हैं ओवरऑल 1400 करोड़ के आसपास का कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रही है, और वो भी डेप्थ एंड इक्विटी के माध्यम से यहाँ पे फंड राइज किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट्स भी होने वाला है फ्रेंड्स। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको डेप्थ एंड इक्विटी के माध्यम से ट्राइडेंट फंड भी राइज करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये अपने आप में ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव खबर है ट्राइडेंट्स के लिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स देखा जाए तो ट्राइडेंट्स अपने बिजनेस के जो इक्विपमेंट्स है उसमें बढ़ोतरी करता हुआ नज़र आएगा। इक्विपमेंट बढ़ेंगे तो प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा फ्रेंड्स तो सीधा इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलने वाला है। तो ये अपने आप में ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट किस तरह के मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आ सकते हैं उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ट्राइडेंट का चार्ट आप लोगों के सामने है, और ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है। और देखा जाए तो जो फ्रेश पोजीशन बनाने का जो सही लेवल निकल के आ रहा है वो 20 रुपये के आसपास आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आने दें, जो कि अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पे अगर अच्छा करेक्शन भी देखने को मिलता है तो 20 रुपये के आसपास आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं 19 रुपये के SL के साथ। और यहाँ पे जो रिसेंटली जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 22 रुपये 50 पैसे का।
तो आप इन दो लेवल को अपनी नज़र में गड़ाए रखें, 22.50 रुपये का और उसके नीचे 20 रुपये का, ये दो अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और फ्रेश पोजिशन 20 रुपये के आसपास बनाने की सलाह रहेगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो जो कल हाई बनाया था तकरीबन 26 रुपये के आसपास का, तो यहाँ पर हमें एज रेजिस्टेंस की तरह यही लेवल नज़र आने वाला है। इसके ऊपर निकलता है तो फ्रेश हमें एक और न्यू हाई देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो एग्रेसिव भी पोजिशन बना सकते हैं, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है तो फ्रेंड यहाँ पे भी आप पोजीशन बना ही सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एसएल के साथ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। अदरवाइज आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपने पोजीशन बना के रखी है तो लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं ट्राइडेंट को, या तो फिर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया लेवल आ चुका है 25 रुपये के आसपास का, और यहाँ पर फ्रेश पोजिशन तो बनाने की कोई सलाह रहेगी नहीं। अगर आपने नीचे के लेवल पर पोजिशन बनाई है 12-13 रुपये के आसपास, या तो फिर आपने 16-17 रुपये के आसपास भी पोजीशन बनाई है, तो अभी भी अच्छा मौका है फ्रेंड्स। आपने जितना क्वांटिटी बाय किया है उसका 50% आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और आप चाहे तो 50% क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है 20 रुपये के आसपास, तब यहाँ पे फ्रेंड्स आप ऐड भी कर सकते हैं, या तो फिर फ्रेश पोजिशन भी बना सकते हैं 19 रुपये के एसएल के साथ। तो फ्रेंड्स इन लेवल को वॉच आउट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर सलाह लें, अपना एनालिसिस करें, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।